संजय दत्त अपनी निजी जिंदगी में 3 बार शादियां कर चुके हैं, जिसमें से आज ये अपनी पत्नी मान्यता के साथ है। लेकिन एक समय ऐसा था जब संजू बाबा का फेयर धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ रहा था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि संजय दत्त ने अपनी पत्नी ऋचा को तलाक भी दे दिया था। पर बावजूद इसके ये दोनों एक ना हो सके, बड़ी ही दर्द भरी रही थी दोनों की लव स्टोरी। और इसी दर्द भरी लव स्टोरी को आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। दोनों शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसके बाद फिल्म साजन के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। साजन के बाद दोनों को अक्सर साथ देखा जाने लगा, जिसके चर्चे अखबारों में भी छपने लगे थे, जिसके चलते साजन फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म से पर्दे पर कमाल करने वाली इस जोड़ी को फिर से खलनायक में साइन किया गया, जिसके कारण अब तक जो प्यार गलियों में चर्चा का केंद्र था वे परवान चढ़ा। खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों समझ गए कि अब ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर दोनों के प्यार के बीच बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय संजय दत्त रिया शर्मा के साथ शादीशुदा थे और दोनों की एक बेटी भी थी। पर उन दिनों रिया अपने कैंसर का इलाज न्यूयॉर्क में करा रही थी। ऋचा पति के साथ संबंध सही करना चाहती थी, लेकिन 1993 में संजय दत्त ने तलाक की अर्जी दे दी थी और दुर्भाग्यवश ऋचा की कैंसर से मौत हो गई, जिसके बाद खबर आई कि संजय दत्त के खिलाफ टाडा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उन्हें स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया गया। यूं तो माधुरी के घर वाले संजय और माधुरी के रिश्ते के खिलाफ थे, वहीं संजय दत्त के जेल जाने के बाद उन्होंने माधुरी सेन से रिश्ता खत्म करने के लिए कहा, इसलिए तो संजय दत्त 16 महीने जेल में रहे, लेकिन माधुरी एक बार भी उनसे मिलने जेल नहीं गई। यहीं से दोनों के रिश्तों में दूरी आने लगी, जिसके कारण संजय दत्त के जेल जाने के बाद माधुरी ने उनसे मुलाकात तक नहीं की। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी का अंत हो गया और कुछ सालों बाद माधुरी ने अमेरिका के डॉक्टर श्री राम नेने से शादी कर ली, जिनसे इन्हें आज 2 बेटे भी हैं। तो दोस्तों, आपको संजय दत्त की जोड़ी बॉलीवुड की किस अभिनेत्री के साथ सबसे ज्यादा बेहतरीन लगती है? आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।